जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट देखते हैं। आज के फैमिली ट्री के अंतर्गत हम देखेंगे जो धर्मेंद्र हैं इनकी फैमिली ट्री के बारे में देखेंगे कि इनकी कितनी शादियां हुई, कितने बच्चे हैं और इनके जो माता पिता हैं वो कौन थे। तो इस कड़ी में देखिए जो ये हैं धर्मेंद्र देओल और ये बिलोंग करते हैं पंजाब रीजन से। और जो इनके पिताजी थे वो हैं केवल किशन सिंह देओल, ये यहाँ पे इनकी इमेज है। इनकी जो माता हैं वो हैं सतवंत कौर। जो कौर होता है वो पंजाब में लगाया जाता है और एक तरह से प्रिंसेस कहते हैं कौर को। कौर मीन्स होता है प्रिंसेस और एक तरह से शाब्दिक अर्थ है। ऐसा नहीं कि जिनने भी कौर लगा रखा है तो वो राजकुमारी हैं, वो राजकुमारी के जैसी हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और जो धर्मेंद्र हैं इनके जो भाई हैं वो हैं अजीत सिंह देओल, इनकी वाइफ हैं उषा देओल और जो इनके बेटे हैं वो अभय देओल। ये अभय देओल आप पिक्चर में देखे होंगे इनको, ये अभय देओल हैं। और फिर जो और अगर इनका देखेंगे धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र की दो दो पत्नियां थीं, इन्होंने दो शादियां की थीं। जो पहली शादी से पहली इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था प्रकाश कौर, ये प्रकाश कौर की इमेज है। और प्रकाश कौर से इनको सनी देओल, बॉबी देओल और विजीता देओल, ये इनके दो बेटे और एक बेटी हुई। और जो दूसरी शादी इन्होंने की वो की थी हेमा मालिनी से, उनसे इनको हेमा मालिनी से इनकी एक बेटी हुई ईशा देओल और अहाना देओल। और ये जो ईशा देओल हैं इसने भारत टकाटानी से शादी की है और वैभव वोरा से दूसरी बेटी ने इनकी शादी की है, तो इस तरह से है। और इसी के साथ में जो जो सनी देओल हैं इनकी शादी हुई थी पूजा देओल से और जो बॉबी देओल हैं इनकी शादी हुई है तान्या देओल से। जो पूजा और सनी के लड़के हैं वो हैं करण देओल और राजवीर देओल और इधर जो बॉबी देओल के हैं वो हैं आर्यमान देओल और धर्म देओल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनकी फैमिली ट्री। तो ये और ये पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। धर्मेंद्र को तो नहीं देखा गया है लेकिन हेमा मालिनी बीजेपी से कई बार सांसद रही हैं, इस समय भी ये मथुरा से सांसद हैं। और जो सनी देओल हैं ये पंजाब से सांसद हैं, बीजेपी के टिकट पर ये लड़े थे 2019 में और जीते भी थे, तो इस तरह से है। और बाकी जो बॉबी देओल हैं इनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप रही, बरसात और फिर दूसरी बरसात और पता नहीं कितनी फिल्मों इन्होंने की, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो एक तरह से अभी ये जो प्रकाश झा की आश्रम सीरीज़ आई थी उसमें इन्होंने एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से इनकी आंखें हैं, जिस तरह से इनकी जो लुक है बॉडी का वो फिट बैठ रहा था आज के जो पब्लिक डिस्कोर्स में, जो एक तरह से बाबाओं की और ऋषियों की कौन सी भूमिका होती है और किस तरह से वो बरगलाते हैं आम पब्लिक को, तो उस तरह की लैंग्वेज पहले से ही कुछ शब्द एक तरह से पब्लिक डिस्कोर्स में थे, पब्लिक के मन में थे, तो उन्हीं शब्दों से एक तरह से बुनकर एक सीरीज़ तैयार की और बहुत ही सराहा गया इनके किरदार को। नेगेटिव किरदार था लेकिन फिर भी उसी से ये चमके। और सनी देओल को तो आप जानते ही, बहुत ही एक तरह से दमदार किरदार करते हैं। धर्मपाजी को आप जानते हैं, हेमा मालिनी को भी, और इसमें जो अभय देओल हैं ये भी जो इनके चचेरे एक तरह से इनके भाई के जो बेटे हैं सनी देओल के चचेरे भाई होंगे, तो इन्होंने भी बहुत सारी पिक्चरें की हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी भी पिक्चरें रहती हैं। तो इस तरह से इतना ये फैमिली ट्री है इनके। और अभी देखते हैं आगे क्या क्या फिल्में आती हैं इन लोगों पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।